हाय व्यूअर्स, दिस बी विद तप्रम साउ टेक्नो गाइड। आज का ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ विप्रो स्मार्ट बैटन लाइट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो अभी आप देख सकते हैं बैक साइड में विप्रो स्मार्ट बैटन एलईडी लाइट जो है वो चालू है। तो मैं स्टूडियो का लाइट यहाँ पे ऑफ कर दिया हूँ। ये लाइट को आप नॉर्मल एक एलईडी बैटन लाइट टाइप का यूज कर सकते हैं और इसको स्मार्टली भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसका एक एप्लीकेशन आता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के थ्रू में भी आप दुनिया का कोई भी कोना में बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे उसको पावर ऑफ कर दिया, तो यहाँ से फिर से क्लिक करते हैं तो इसका पावर जो है ऑन हो जाता है। और यहाँ से उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये ब्राउनिश लाइट हो गया और यहाँ से ये डे लाइट हो जाता है। और यहाँ से उसका ब्राइटनेस आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखें इसका ब्राइटनेस 1-2% हो गया, अभी मैं ब्राइटनेस 100% कर दिया। तो इसको आप आपका मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका खासियत ये है कि ये गूगल होम या अमेजन का एलेक्सा को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके गूगल, टर्न ऑफ द लाइट। श्योर, टर्निंग विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट बैटन ऑफ। तो अभी देखें ये लाइट ऑफ हो गया। ओके गूगल, टर्न ऑन द लाइट। Okay, turning Wipro next smart button on. तो अभी लाइट को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हम पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये मोबाइल फोन से कैसे कॉन्फ़िगर होता है और गूगल होम मिनी में कैसे कॉन्फ़िगर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा विप्रो का स्मार्ट वाई फाई एलईडी बैटन जो की 20 वाट का है। तो यहाँ पे इसका बॉक्स आप देख सकते हैं, ये आपको 1200 mm लेंथ के साथ मिलता है। मीन्स इसका टोटल लेंथ जो है 1200 mm है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइट देखने के लिए कुछ ऐसा है। और यहाँ पे एक वॉल माउंट के लिए किट मिलता है। मीन्स यहाँ पे 2 स्क्रू है, इसको लगा के आप इसको आपका दीवार में लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे और एक मिलता है यूजर मैनुअल, जिसमें डिटेल दिया गया है ये बल्ब को आपको कैसे कनेक्ट करना है आपका मोबाइल फोन के साथ और अमेजन इको डॉट या गूगल होम के साथ भी कैसे कनेक्ट करना है। तो डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और मैं प्रैक्टिकली आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये 20 वाट लिखा गया है और ये 100 mA का है। और यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, कौन सा टेम्परेचर के अंदर ये अच्छा तरीके से काम करेगा। और ये सितंबर 2019 का है, मेड इन चाइना है। तो अभी हम ये बल्ब को पावर सप्लाई में लगाते हैं, उसके बाद मोबाइल फोन में ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और लास्ट में दिखाऊंगा गूगल होम में इसको आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको पावर सप्लाई में लगा दिया हूँ। तो इसको ये भी यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, तो ये बल्ब जो है ये चालू हो गया। तो अभी ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। तो आपको मोबाइल फोन में अगर कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपको मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और वहां पे विप्रो स्मार्ट होम ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी ये एप्लीकेशन जो है ये इंस्टॉल हो गया, तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं। तो पहले आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्री। तो यहाँ पे रजिस्टर बाय ईमेल आता है, रजिस्टर बाय फोन नंबर आता है। तो यहाँ पे ईमेल हम दे देते हैं। तो ईमेल आप देने के बाद यहाँ पे आता है गेट वेरिफिकेशन कोड, मीन्स आपका वो ईमेल आईडी में ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो जाता है। तो यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड देते हैं, तो आपका मेल आईडी में वो वेरिफिकेशन कोड आता है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड जो है ये आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया हूँ। तो यहाँ पे डन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी लाइट को हम ऑन कर दिए और यहाँ पे 8 डिवाइस करते हैं। और यहाँ पे 8 डिवाइस करने के बाद आता है स्मार्ट सॉकेट वाईफाई का, सॉकेट ब्लूटूथ का, लाइट भी वाईफाई एंड ब्लूटूथ का आता है और स्मार्ट कैमरा आता है। तो हम यहाँ पे लाइट वाईफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बल्ब अभी ब्लिंक हो रहा है, मीन्स ये रेडी है कनेक्ट होने के लिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया था। तो अभी हम यहाँ पे कॉन्फर्म इंडिकेटर करते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं।
ये आपका राउटर का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं राउटर का पासवर्ड जो है वो डाल लिया हूँ, यहाँ पे कन्फर्म है। उसके बाद ये कनेक्टिंग कर रहा है इसको, तो यहाँ पे ये 100% तक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आ गया डिवाइस एडेड सक्सेसफुली और यहाँ पे डन। तो ये उसका होम पेज आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही फर्स्ट टाइम आप ये बल्ब को पावर सॉकेट में लगाएंगे, तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप मोबाइल फोन में कनेक्ट करने से पहले इसको 3 बार इसका स्विच जो है अप डाउन करना पड़ेगा, मींस ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, ऐसे 3 बार करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक होगा। और ब्लिंक होने के टाइम में आपको समझ जाना चाहिए ये रेडी है पेयरिंग के लिए। उसके बाद आप मोबाइल फोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है उसका होम पेज और यहाँ पे ये लाइट का कलर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर अभी चेंज हो गया। तो यहाँ पे 3 ही कलर है, एक व्हाइट है और यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लू कलर है और ये थोड़ा सा ब्राउन कलर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये उसका ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे मैं ब्राइटनेस 1% रखा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये काफी डिम है। जैसे ही हम ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ाते हैं ये उतना उजाला हो जाता है, और यहाँ पे ब्राइटनेस कम करते हैं तो ये डिम हो जाता है। और यहाँ पे इसका लैप टाइम है, इसको भी आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं ऑन ऑफ के लिए। अगर आप 8 शेड्यूल करते हैं तो कभी ऑन करना है कब ऑफ करना है, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर सीन एक है, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ फोटो दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे ये रीडिंग के लिए है, ये वर्किंग लाइट है, यहाँ पे लेक्चर है और यहाँ पे सीन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो लाइट पसंद है वो लाइट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। एंड इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, जैसे कि हम यहाँ पे पावर ऑफ कर दिए तो ये ऑफ हो गया और यहाँ से ऑन कर दिए तो ये ऑन भी हो गया। तो ये हो गया उसका मोबाइल से आप कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी ये मेरा वाईफाई में कनेक्टेड है, अगर मैं वाईफाई हटा देता हूँ तो ये अभी मोबाइल का नेटवर्क से आ गया, मींस इंटरनेट जो है वो मोबाइल से चल रहा है। अभी भी अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं तो भी ये ऑपरेट होगा, मींस अगर आप घर से बाहर है कोई भी जगह में है तो वहां से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क से भी ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये गूगल होम मिनी में कैसे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम पहले गूगल होम का एप्लीकेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में अकाउंट है, तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको असिस्टेंट में जाना है और यहाँ पे आपको होम कंट्रोल आता है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट लाइफ का कुछ डिवाइस यहाँ पे एडेड है, तो हमको यहाँ पे प्लस में जाना है, मीन्स 8 डिवाइस करना है और यहाँ पे सर्च करना है विप्रो स्मार्ट। तो यहाँ पे आ जाता है विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप सेट किए थे एप्लीकेशन के अंदर, ये दोनों आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों मैं डाल दिया, यहाँ पे लिंक नाउ करता हूँ। तो यहाँ पे आप असाइन रूम कर सकते हैं या डन भी कर देंगे तो भी काम कर जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये सक्सेसफुल ऐड हो गया है। तो अभी हम इसको कमांड देते हैं ये बल्ब को ये ऑफ करने के लिए। ओके गूगल टर्न ऑफ लाइट। श्योर टर्निंग ऑफ विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट बैटरी। तो आप अभी सुने जैसे कि ये कमांड दिए हम इसको ऑफ करने के लिए, तो ये ऑफ हो गया। ओके गूगल टर्न ऑन लाइट। ओके टर्निंग विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट बैटरी ऑन। तो अभी देखे आप ये लाइट ऑन भी कर दिया। ओके गूगल रिड्यूस द ब्राइटनेस ऑफ लाइट टू 50%। ओके सेटिंग विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट बैटन ब्राइटनेस टू 50%। ओके गूगल रिड्यूस द लाइट ब्राइटनेस टू 20%। ओके सेटिंग विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट बैटन ब्राइटनेस टू 20%। ओके गूगल रिड्यूस द लाइट ब्राइटनेस टू 2%।
Wipro Next Smart Baton Brightness to 2%. तो देखिए अभी ब्राइटनेस 2% ही कर दिया। तो मैं अभी आपको दिखाया ये मोबाइल फोन से कैसे कॉन्फ़िगर होता है और मोबाइल फोन से आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, और सेकंड दिखाया कि गूगल होम मिनी में भी आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे ऑपरेट करते हैं। तो सेम आप इसको अमेजन इको डिवाइस पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वहां से भी कमांड देते हैं तो भी ये काम करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साउ टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।